टू कवर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेमी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आईबीएम पीसी। असल में हम जो है ना प्रैक्टिकली जो है हम जो यूज करेंगे वो आईबीएम पीसी यूज करेंगे जो कि इंटेल आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड करेगा। ठीक है, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटेल आर्किटेक्चर पे बेस्ड करेगा, यानी कि जो हम सेमी लैंग्वेज जो पढ़ेंगे वो इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर को सामने रख के पढ़ेंगे। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो बहुत सारे हैं, मोटोरोला का है, ठीक है, और भी मुख्तलिफ कंपनीज के हैं, एप्पल के हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको सामने रख के पढ़ेंगे। जाहिर है ज़्यादातर इंटेल ही यूज़ कर रहे होते हैं और इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर ही हम डिस्कस करेंगे पूरे कोर्स के अंदर, तो इससे आपको वाकफियत भी जाएगी कि इंटेल का इंटरनल आर्किटेक्चर कैसा है और माइक्रो प्रोसेसर कैसे मतलब इंटेल का काम करता है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता चलूँ, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है और रिकॉर्डिंग चल रही है। किसी को कोई क्वेश्चन हो ना तो जस्ट हैंड गेस्चर के जरिए से मुझे इंडिकेट कर दें, मैं आपसे क्वेश्चन ले लूँगा और आप अपना माइक जो है फिर अनम्यूट करके जो है वो क्वेश्चन कर सकेंगे। जिसका मुझे हैंड गेस्चर नजर आएगा मैं उसका माइक अनम्यूट की रिक्वेस्ट ओके कर दूंगा। वैसे तो अभी आप माइक को अनम्यूट नहीं कर सकते, लेकिन जिसका क्वेश्चन होगा, जिसका हैंड गेस्चर के जरिए से कोई रिक्वेस्ट आएगी, मैं उसका माइक अनम्यूट कर दूंगा, अनम्यूट की अलाउ कर दूंगा, आप अनम्यूट करके जो है क्वेश्चन कर सकेंगे। इस तरीके से हम करेंगे, उससे इंशाल्लाह यहाँ पर आइडिया भी हो जाएगा। अच्छा, ये बता दीजिए, आपको आवाज आ रही है ना? अच्छा जी, कोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? बिफोर अटेम्प्टिंग दिस कोर्स यू शुड नो, आपको क्या क्या पता होना चाहिए इस कोर्स को पढ़ने से पहले, वो देख लेते हैं। एक तो आपको आपको जो है ना डिजिटल लॉजिक के ऑपरेशंस क्लियर होने चाहिए, जैसे आपने पढ़ लिया होगा डीएलडी में भी, ठीक है ना, जैसे एंड है, और है, नॉट है, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, ये आपको पता है। ठीक है, वैसे तो इस स्लाइड के अंदर इसकी एग्जाम्पल्स भी कुछ रखी गई हैं ताकि थोड़ा सा रिविजन भी हो जाए, लेकिन ये सारी चीजें आप पढ़कर आए हो डीएलडी में तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाइनरी नंबर्स एंड देयर अर्थमेटिक, बाइनरी नंबर जो है वो कैसे काम करता है, उसकी अर्थमेटिक कैसे परफॉर्म होती है बाइनरी नंबर्स की, इसके बारे में जो है आपको नो हाउ होनी चाहिए। यानी कि बाइनरी नंबर आपको पता है 10 पे काम करते हैं, अब उसकी अर्थमेटिक का मतलब क्या है, उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बाइनरी के अंदर, और उनके सारे मतलब उसकी जो अर्थमेटिक है बाइनरी ऑपरेशंस की, वो साइन नंबर, अनसाइन नंबर, ये सारे आपने पढ़ लिए हैं डीएलडी में। फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी इसका ओवरव्यू है, लेकिन जाहिर है इन डिटेल नहीं जाएंगे हम, क्योंकि आप सारे चीजें पढ़ के आए हो पिछली कोर्सेज में। बस ज्यादातर ये चीजें चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक कॉन्सेप्ट देयर इज नथिंग मच मोर नीड बिफोर दिस कोर्स। ठीक है, तो इससे ज्यादा मतलब ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको कम से कम बेसिक्स पता होनी चाहिए बाइनरी नंबर्स की और उसकी अर्थमेटिक्स की और जो लॉजिकल ऑपरेशन है एंड और नॉट वगैरह, ये आपको पता होने चाहिए, बाकी एज सच कोई थी रिक्वायरमेंट। इस कोर्स के लिए बाकी इंशाल्लाह इस कोर्स में हम जैसे चीजें होती जाएंगी उसको समझते जाएंगे। अच्छा जी, कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? हम चाहते हैं कि कोर्स के अंदर जो है ना आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स, हम क्या क्या चीजें अचीव करना चाहते हैं इस कोर्स के जरिए, वो यहाँ पर देख लेते हैं। You will be able to explain all the basic operations of the computer. इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप जो है ना वो सारे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को एक्सप्लेन करने के लायक हो जाए, है ना, आप बता सके कि भाई कंप्यूटर कैसे इंटरनली कैसे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। अभी तो आपको इंटरनल आपको नहीं पता, आप जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिख लेते हो, लेकिन प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कैसे करता है ये नहीं पता आपको। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर एग्जीक्यूट कैसे करता है। ठीक है, तो एक तो ये बड़ा फायदा है। दूसरा, यू कुड अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की साइकोलॉजी आपको जो है समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कि कंप्यूटर सोचता कैसे है, अभी तक हम जो है ना कंप्यूटर की साइकोलॉजी को नहीं समझ सके। ठीक है ना, तो हमें कंप्यूटर की साइकोलॉजी साइकी समझ में आएगी कि कंप्यूटर कैसे इंस्ट्रक्शन को लेता है, इंटरप्रिएट करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो वो चीजें हमें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और जब वो चीजें हमें समझ में आएंगी तो हम अपना प्रोग्राम भी हमारा जो है ना उससे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम कंप्यूटर की साइकी को समझना शुरू कर लेंगे।
यू विल अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस एंड इट्स कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। तो कंप्यूटर की जो लिमिटेशंस हैं, हम समझते हैं कंप्यूटर सारे काम कर सकता है, सारे काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसकी लिमिटेशंस क्या, उसकी लिमिटेशंस हैं सीपीयू की, प्रोसेसर की, माइक्रो प्रोसेसर की लिमिटेशंस हैं कंप्यूटर की। तो उनकी लिमिटेशंस को जब हमें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, तो हम जो है उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। हमें पता होगा कि भाई कंप्यूटर कौन से काम कर सकता है, माइक्रो प्रोसेसर कौन से काम कर सकता है और माइक्रो प्रोसेसर कौन से काम नहीं कर सकता। इसके बारे में जब हमें आइडिया हो जाएगा, तो हमारा प्रोग्राम मतलब फिर हम उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये चीज बहुत बहुत बड़ा फायदा है जो हमें जो है अचीव हो जाता है। योर लॉजिक विल बी विल बिकम फाइन ग्रेन्ड, ठीक है। यानी कि आप जो है वो बारीकी में समझना शुरू कर दोगे, और अभी तक हमें वो चीज जो है ना, वो जो समझ है माइक्रो प्रोसेसर जैसे काम करता है वो, उसकी समझ हमें नहीं है। तो जिस कोर्स को पढ़ने के बाद हमें माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है उसकी समझ आएगी, तो हमारा जो प्रोग्राम है चाहे हम सी शार्प ही लिखें, तो वो हमें बहुत, हम चूंकि माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को समझे हुए होंगे, तो अपना सी शार्प का प्रोग्राम भी हम उसी लिहाज से कन्फाइन कर सकते हैं। तो हमारी लॉजिक जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द साइकी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कोर्स के, जो कि जो हम अचीव करना चाहेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स को पढ़ने के बाद, ताकि ये चीज़ें जो है हमें आ जाए कम से कम। इसलिए ये कोर्स जो है हमारा कोर कोर्स है, यानी कि कोर कोर्स का मतलब क्या है कि इस कोर्स के बगैर जो है आपको डिग्री अवार्ड नहीं होगी। तो इसलिए इसको कोर कोर्स रखा गया, और इसके जो है सारी चीज़ों को हम ताकि समझ लें सही तरीके से और फाइनल इसको क्लियर कर लें। तो बेसिक्स, कंप्यूटर के बेसिक्स के अंदर ये कोर्स जो है काउंट होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, जब इतनी सारी लैंग्वेजेस मौजूद हैं, सी प्लस प्लस है, जावा है, सी शार्प है, पाइथन है, और यहाँ पर आप देखें बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको नजर आ रही है ना, तो जब इतनी सारी लैंग्वेजेस हमारे सामने मौजूद हैं, तो इतनी सारी लैंग्वेजेस मौजूद हैं, पर्ल है, ठीक है, मुख्तलिफ है, जावा वगैरह, प्रोलॉग है, तो इतनी सारी लैंग्वेजेस मौजूद है, तो इसके लिए हम असेंबली लैंग्वेज ही क्यों पढ़े, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जाहिर है इस पर काम, मतलब इसको, इस पर तो हर चीज़ बतानी पड़ती है, रेडीमेड तो इसमें कुछ चीज़ें नहीं होती, हर चीज़ बतानी पड़ती है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में, तो उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ठीक है। तो उसके इसके कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है, सी शार्प, जावा, सी शार्प, ये सारी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं और जो हम पढ़ रहे हैं ज़्यादातर। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नियरर टू प्रोग्रामर एंड फार फ्रॉम मशीन। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती है ना, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्रामर से करीब है लेकिन मशीन से दूर है। उनको मशीन का आर्किटेक्चर जो है ना वो हमें पता नहीं होता, माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर पता नहीं होता, हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस का समझे एक तरह से ड्रॉबैक कह लो, या इसको समझो कि लिमिटेशंस है उसकी, कि वो जो है माइक्रो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन हमें नहीं करा पाती। वी कुड नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी, ठीक है। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हमें ऑफर नहीं करती। हाई लेवल लैंग्वेजेस हैव सर्टेन लिमिटेशंस टू एक्सेस कंप्यूटर हार्डवेयर, उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं और उसी के जरिए कंप्यूटर हार्डवेयर को जो है वो एक्सेस कर पाती हैं। Another use of assembly language is in time critical systems called, अच्छा, और दूसरा एक तो ये बात हो गई कि हाई लेवल लैंग्वेजेस डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर पाती, इसलिए हमें असेंबली लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगी ताकि हम अगर डायरेक्टली काम कर सकते चाहें, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस जाहिर है इनडायरेक्टली काम करती हैं तो वो स्लो होती हैं। असेंबली लैंग्वेज इसलिए फास्ट होती है क्योंकि वो डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरप्रिएट कर सकती है, ठीक है। Another use of assembly language is in time critical systems called real time systems. एक और बड़ा फायदा है कि यानी कि real time system किसे कहते हैं, ये लिखा है ना लफ्ज real time system. Real time system मतलब ये है, नीचे इसके definition लिखिए कि real time system have time bound responses. Time bound responses के within the time जो है respond होना चाहिए with an upper limit of time on a certain operations. क्या मतलब कि मिसाल के तौर पर जैसे आप देखें ना, जैसे मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम में मिसाइल फायर होता है तो बकायदा उसके अंदर माइक्रो सेकंड्स का भी फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, माइक्रो सेकंड्स पे काम होता है। थोड़ा सा भी डिले आ गया तो मिसाइल अपने टारगेट को हिट नहीं कर सकेगा। इस तरह एरोप्लेन का लैंडिंग सिस्टम है, वो भी बिल्कुल सेकंड्स पे काम करता है, जरा सा भी डिले नहीं आना चाहिए,
वेंटिलेटर्स जो होते हैं हॉस्पिटल्स में, उनके ऊपर भी वो भी रियल टाइम सिस्टम्स पे काम करते हैं, उनके अंदर भी जरा सा भी 1-2 सेकंड का डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन डिले ना है, जैसे ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो वो फौरन परफॉर्म हो जाए विद इन द टाइम पीरियड, जरा सा भी डिले आएगा तो वो बेकार हो जाती है ये चीज। ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं रियल टाइम सिस्टम्स। तो रियल टाइम सिस्टम्स पे हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है ना, अगर आप बात कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की, हाई लेवल लैंग्वेजेस का मतलब क्या है, सी शार्प जावा वगैरह, ठीक है, सी शार्प जावा वगैरह, इस पे अगर आप रियल टाइम सिस्टम के लिए ये लैंग्वेजेस अच्छी नहीं है, क्योंकि इनमें डिले आता है, इनमें डिले आता है, ये एग्जीक्यूट होने मतलब कंपाइल होने में टाइम लेती हैं, और फिर इनमें डिले आता है क्योंकि जाहिर है वो कन्वर्ट करती हैं, ट्रांसलेशन करती हैं, इनमें कंपाइलर लगा होता है, तो इस वजह से जो है ना वो ये रियल टाइम सिस्टम्स के लिए जो है ना वो सूटेबल लैंग्वेजेस नहीं है। तो रियल टाइम सिस्टम के अगर ऊपर आप काम करने जाओगे तो आपके लिए फिर जो बेस्ट ऑप्शन है वो असेंबली लैंग्वेज ही है। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है ना हम काम करेंगे अगर हमें रियल टाइम सिस्टम्स के ऊपर काम करना है। इन हाई लेवल लैंग्वेजेस वी कैन नॉट इवन टेल हाउ मेनी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस वर एक्चुअली यूज्ड, बट इन असेंबली लैंग्वेज वी कैन हैव प्रिसाइज। सर ये रियल टाइम सिस्टम्स की कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं? एक मिनट में आपका माइक ऑन वो इशू आ रहा है। जी आप क्या सवाल करें? जी मैं कह रहा था कि आप रियल टाइम सिस्टम्स की कोई एग्जांपल दे सकते हैं? रियल टाइम सिस्टम्स की एग्जांपल जो है ना वो फॉर एग्जांपल जैसे मिसाइल सिस्टम है, अभी इसमें मैंने बताया मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम में आपको पता है ना कि मतलब माइक्रो सेकंड का भी फर्क आ जाए मिसाइल कहीं का कहीं हिट हो जाएगा, या जो है आप एरोप्लेन का लैंडिंग सिस्टम होता है वो भी रियल टाइम होता है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं आना चाहिए रेस्पॉन्स में बहुत की। जब जो है हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स होते हैं वो भी रियल टाइम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जरा सा भी फर्क नहीं आना चाहिए, वरना जाहिर है ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है मरीज मर भी सकता है, थोड़ा सा भी डिले आ गया टाइम ऑक्सीजन इसके अंदर। सारे असेंबली लैंग्वेज में होते हैं, सी सी प्लस प्लस हाँ मतलब ज्यादातर सी प्लस प्लस एक्चुअली असेंबली लैंग्वेज बिल्ट इन होती है सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस तो अंदर तो असेंबली का प्रोग्राम लिखा जा सकता है, हाँ सी शार्प में नहीं लिख सकते आप, बाकी असेंबली लैंग्वेज के अंदर ही वो काम होता है, क्योंकि जाहिर है और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन पे अगर ये काम करेंगे तो वो डिले लेती है, उनके उनके साथ कंपाइलर अटैच होता है वो डिले लेती है, तो इसकी वजह से डिले इसके अंदर बियरेबल नहीं होता रियल टाइम सिस्टम्स में, इस वजह से जो है वो इन लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेजेस को जो दी हुई है आप उसको जो है वो यूज़ नहीं किया जाता रियल टाइम सिस्टम, और रियल टाइम सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग होते हैं, ये विंडोज वगैरह नहीं होते तो वो अलग ही चीज़ होती है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये बताया गया कि रियल टाइम सिस्टम जाहिर है उसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज। और एक और सवाल है सर, जी ये असेंबली लैंग्वेज हमारे सिर्फ प्रोसेसर्स पे डिपेंड करता है या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी डिपेंड करता है? असेंबली लैंग्वेज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो कोई सा भी हो, असेंबली लैंग्वेज बस ये है कि वो कंपैटिबल होनी चाहिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे माइक्रो असेंबलर जैसे हम यूज़ करेंगे मैसम माइक्रो असेंबलर है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ होता है, तो जैसे विंडोज़ वगैरह है तो उस पर मैसम चलेगा आपका, माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है। ठीक है सवाल आया कि असेंबली लैंग्वेज क्या डायरेक्टली हार्डवेयर से फंक्शन करवाते हैं? हार्डवेयर से जाहिर है हार्डवेयर के सारी रूटीन्स पे आप, यानी कि असेंबली लैंग्वेज का मकसद ये भी होता है कि आप हार्डवेयर को एक्सेस कर सको, और डायरेक्ट एक्सेस करके आप जैसे सीपीयू को एक्सेस कर सकते हो, रैम को कर सकते हो, किसी भी हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हो असेंबली लैंग्वेज के जरिए, और हार्डवेयर पे प्रोग्रामिंग जाहिर है असेंबली लैंग्वेज में ही लिखी जाती है। साइज कंट्रोल ओवर देम, ठीक है, के असल में देखो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो है ना हम इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमारी ग्रिप नहीं होती, क्या मतलब कि कौन सी इंस्ट्रक्शन मेमोरी के कौन से एड्रेस पे चलेगी, रैम के कौन से एड्रेस पे चलेगी, इस पे हमारी ग्रिप नहीं होती, जबकि जो है वो
मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं होती, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है ये फैसिलिटी है कि इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आपकी जो है वो ग्रिप होती है। तो ये फायदा है जो है ना आपके असेंबली लैंग्वेज पे चीजों पे काम करने का। टू प्रोड्यूस फाइन ग्रेन लॉजिक इन प्रोग्रामर्स, ठीक है ना, आपके प्रोग्रामिंग की लॉजिक जो है वो अच्छी हो जाएगी। जाहिर है जब आप कंप्यूटर की साइकी समझना शुरू कर दोगे तो असेंबली लैंग्वेज के जरिए से आपको कंप्यूटर की साइकी पता चल जाएगी, आपकी लॉजिक बहुत अच्छी हो जाएगी, आप बहुत फास्टर प्रोग्राम्स बना सकते हो। ईच एंड एवरी ग्रेन ऑफ असेंबली लैंग्वेज हैज अ मीनिंग, नथिंग इज प्रज्यूम्ड। वो यही बात कह रहा है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोई चीज प्रज्यूम नहीं होती, हर चीज आपको बतानी पड़ती है। जैसे आपने फोर लूप किया होगा ना, फोर लूप आपने किया है, जैसे आपने सी शार्प में किया होगा फोर लूप, है ना। तो फोर लूप के बारे में हाई लेवल लैंग्वेज में आप बता देते हो, फोर आप फोर को लूप चलाते हो, फोर ए इज इक्वल टू 0, ए इज लेस देन 10, ए प्लस प्लस, इस तरीके से आप फोर लूप कर रहे होते हो। तो फोर के लूप की आप बाउंड्रीज बता देते हो, कहाँ से चलेगा कहाँ तक चलेगा। लेकिन फोर लूप काम कैसे करता है, फोर लूप के अंदर पीछे बहुत लॉजिक होगी ना, जाहिर है एक लूप चल रहा है बार बार चीजें चला रहा है, उसके पीछे इसके उसके पीछे जो है ना काफी चीजें हिडन होंगी, हंड्रेड हंड्रेड थिंग्स हिडन हिडन, यानी कि बहुत सैकड़ों चीजें फोर लूप के अंदर काम कर रही होती हैं बैकग्राउंड के अंदर, हमें उसके बारे में पता नहीं चलता। यूजिंग द ग्रेन्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज वी डू सिमिलर ऑपरेशन विद द नंबर ऑफ ग्रेन्स बट इन प्रोसेस अंडरस्टैंड द माइन्यूट लॉजिक हिडन। अब मतलब फोर के अंदर काम क्या हो रहा होता है, फोर कैसे काम करता है, फोर का लूप काम कैसे करता है बेसिकली, तो वो चीज आपको असेंबली लैंग्वेज के अंदर पता चल जाएगी कि बैकग्राउंड के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के जो है लूपिंग स्ट्रक्चर को अगर हमें चलाना हो तो। तो ये बहुत बड़ा फायदा है असेंबली लैंग्वेज का कि आप जो है ना वो असेंबली लैंग्वेज के जरिए से जो है ना ये लूपिंग वगैरह के चीजों को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। और अब इसमें 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 आप यही पढ़ोगे इस कोर्स के अंदर, इस कोर्स के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह कि आप अपना फोर का लूप बनाओगे, अपना वाइल का लूप बनाओगे। एक तो आप रेडीमेड यूज करते हो ना सी शार्प का या, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में आप अपना फोर का लूप बनाओगे, अपना वाइल का लूप बनाओगे खुद ही कोड करके, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से फोर का लूप बनता है, बैकग्राउंड में बना कैसे है फोर का लूप, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें जो है हम इंशाल्लाह करेंगे ताकि आइडिया हो जाए और चीजों को आप मैनिपुलेट कर सके सही तरीके से। अच्छा यहां से जाने से पहले एक चीज मैं आपको और भी दिखा दूं, अच्छा सवाल है मतलब हम लैंग्वेजेस बिल्ड कर सकते हैं, हाँ लैंग्वेजेस आप बिल्ड कर सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज के जगह पढ़ने का मकसद ही यही है। असल में लैंग्वेज बिल्ड करने के लिए काफी चीजें चाहिए, कंपाइलर भी पढ़ना पड़ेगा आपको, वो भी कोर्स है आपका बीएस प्रोग्राम में, जितने कोर्सेज आप पढ़ लोगे तो यकीनन आप अपनी लैंग्वेजेस बना सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन सारे कोर्सेज को आप पढ़ोगे तो ऐसा काम हो पाएगा जिसके अंदर आपका कम अज कम कंपाइलर, ऑटोमेटा और असेंबली लैंग्वेज, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये कोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाके आप ये काम कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर अच्छा थोड़ा सा आर्किटेक्चर आपको बता दूं, एक तो एक चीज होती है ये, एक होता है रैम, ठीक है, रैम माइक्रो प्रोसेसर और हार्ड डिस्क, एक होता है का सीपीयू, ये सीपीयू आ गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, और बीच में आ गई रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, और ये आ गई आपकी हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। तो थोड़ा सा इसका बारे में ओवरव्यू दे दूं, एक्चुअली होता क्या है, देखो हार्ड डिस्क में तो आपकी सारे फाइल्स जो है ना वो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद है, ये सारी वर्ड की फाइलें, एक्सेल की फाइलें, विंडोज वगैरह सब आपकी हार्ड डिस्क पे रखी हुई होती है, ठीक है। तो रैम का काम क्या है, मैं ज्यादातर सवाल करता हूँ भाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैम, रैम का काम क्या है,
आप बता सकते हैं आप लोग रैम का काम क्या है, कोई माइक में? यानी कि मेरा सवाल ये है कि आप रैम अगर हम कंप्यूटर में ना लगाएं, उसके बगैर हम यूज़ करना चाहें, क्या उसके बगैर कोई इस्तेमाल हो सकता, मतलब कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो रैम का बेसिक काम क्या होगा? तो आप में से कोई आंसर देगा, अपना माइक अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं मुझे, अभी 20 पार्टिसिपेंट नज़र आ रहे हैं। मोहम्मद माज, एहसान, एहसान एजाज, आसका शुएब, बिलाल हदीद वगैरह, रिदा जाफरी। तो क्वेश्चन अगर आपसे वो जी, क्या रनिंग टाइम के प्रोग्राम को रन करते हैं ना, रैम करते हैं? रनिंग टाइम के प्रोग्राम जो होते हैं हमारे जो चल रहे होते हाँ हैं, उसी में कंपाइल कर रहा होता है। हाँ जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है वो एक्चुअली एक्चुअली जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है ना, वो आपका रैम में ही हो रहा होता है। यानी कि जो प्रोग्राम आपका या तो हार्ड डिस्क पे रखा है वो उस पर रन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो रैम में आता है हार्ड डिस्क से उठ के, फिर वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होता है, वो रैम में होता है। यानी कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन जो है वो रैम के अंदर, जो रैम में होगा वही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जो रैम में रखा होगा वही प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। हार्ड डिस्क की फाइल को क्विकली एक्सेस करना, ये हार्ड डिस्क की फाइल, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये देखें आप डायग्राम जो आपकी बनी हुई है यहाँ पर, और काम आपको समझ में आएगा रैम का और सीपीयू का भी और हार्ड डिस्क का भी। तो रैम का काम समझने के लिए आप देखो होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आपकी फाइल रखी है abc.doc, abc.docx, ये वर्ड की फाइल है फॉर एग्जांपल ना, docx एक्सटेंशन होता है वर्ड की फाइल का, ठीक है? ये फाइल आपकी रखी हुई हार्ड डिस्क पे, जब आपने इस पर डबल क्लिक किया तो ये फाइल उठ के जो है ना रैम में आ जाएगी। यानी कि ये फाइल abc.doc जो है वो रैम में आ गई। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, वो चीजें चलाता है जो रैम में रखी हुई है। सीपीयू वो चीजें रन करता है जो कि रैम में रखी हुई है, सीपीयू वो चीज रन नहीं कर सकता जो हार्ड डिस्क में है। सीपीयू वो रन नहीं कर सकता, सबसे सीपीयू वो रन करता है जो चीज रैम में रखी हुई है। अच्छा, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं मेरे घर के इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, मैं अटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, जिनके घर मसला है तो वो क्या कर सकते हैं, वो क्या देख लेंगे उनके लिए। अच्छा देखें, यहाँ पर ये एबीसी है कि आप एबीसी पे आप जब आप क्या होगा, प्रोसेसर क्या होगा, वो एबीसी फाइल को चलाएगा। प्रोसेसर एबीसी फाइल को चलाएगा, प्रोसेसर वो काम करता है जो रैम के अंदर, फाइल्स पड़ रही है प्रोसेसर उनको एग्जीक्यूट करता है। प्रोसेसर डायरेक्टली हार्ड डिस्क के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, प्रोसेसर हमेशा कम्युनिकेशन करता है रैम के साथ, और रैम के अंदर जो चीज रखी हुई होती है प्रोसेसर का काम है उसी को चलाना। तो एक्चुअली होता है क्या है, हार्ड डिस्क से चीजें उठ के आपके रैम में आती है और रैम से फिर वो प्रोसेसर उनको चलाता है। ये फिनोमिना इस तरीके से होता है, ठीक है? तो रैम के अंदर चीज का आना जरूरी है। चीज अगर किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है, किसी भी ऑपरेशन, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना है, उस इंस्ट्रक्शन का रैम में आना जरूरी है, तब जाके प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। अगर रैम, और वो करता कैसे है कि वो एक्चुअली प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को उठा के अपने पास लेकर आता है, बिलाल उसको हदीद, एग्जीक्यूट कोई करता है क्वेश्चन है? और दोबारा। बिलाल जी, करें क्वेश्चन करें। बिलाल कोई सर क्वेश्चन मेरा करें क्वेश्चन ये है कि हार्ड डिस्क के अंदर जी। 10 आवाज तो कम से कम 20 GB से 30 GB तक होता है, दोबारा उसका सवाल जो करें, होता है। सर दोबारा सवाल करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क के अंदर काफी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि विजुअल स्टूडियो भी होता है, तो वो भी 20 GB से 30 GB तक का होता है, और रैम में 8 GB की रैम या 4 GB की रैम लगी होती है। तो सवाल क्या है आपका कि कैसे रन हो जाता है वो 10-20 GB का, जी 4 GB में? जी देखिए होता ही क्या है कि हार्ड सारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक वक्त में जो है वो रन नहीं हो रहा होता,
उसके पार्ट्स रन हो रहे होते हैं। तो जो पार्ट्स रन हो रहे होते हैं वो उस वक्त रैम में चल रहे होते हैं, और जिन पार्ट्स की ज़रूरत होती है वो बाद में जो है उसको जो है पिक किया जाता है हार्ड डिस्क से। और इस तरीके से जो है पार्ट्स के अंदर जो है वो रैम के अंदर जो है चीज़ें आती हैं जिसकी ज़रूरत होती है। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जाहिर है, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे ऑप्शन तो आप एक ही साथ यूज़ नहीं कर रहे होते, तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन यूज़ कर रहे होते हैं हम, तो वो लिमिटेड ऑप्शन तो रैम के अंदर रहते हैं, लेकिन जो जो ऑप्शन हम चला रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो फिर वन बाय वन जो है रैम के अंदर आते हैं और वो एग्जीक्यूट होते हैं। रिजल्ट को रैम के ऊपर रख देता है, ऐसे करता है प्रोसेसर, यानी कि बाय डायरेक्शनल होता है। अगर आप उसको देखना चाहो कि यानी कि ये सीपीयू है, सीपीयू जो है वो सीपीयू, ये सीपीयू है, ये प्रोसेस, ये जो आपका रैम है, तो रैम के ऊपर जो चीजें रखी हुई हैं, रैम के ऊपर जो चीजें रखी हुई होती है सीपीयू जो है उन्हीं को उसको उठा के लाता है अपने पास, उसको एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट को दोबारा से रैम पे रख देता है। इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो है वो पैटर्न होता है जो कि हमें कम्युनिकेशन के लिए चाहिए होता है। तो आप ये पैटर्न समझना पड़ेगा हमें कि भाई सीपीयू कैसे रैम से कम्युनिकेशन करता है, ये हमें पैटर्न समझ में आएगा इस कोर्स को हम पढ़ेंगे। और हमें फिर इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में फिर हमें आइडिया होगा कि किस तरीके से जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अच्छा जी, वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट यहाँ देख लेते हैं, ये तो हमने थोड़ी सी चीजें यहाँ देखी। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है जी, करें। मलिहा खान का कोई क्वेश्चन आया जी, मलिहा करें। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। सर मुझसे पूछना था कि आपने बताया कि जैसे हार्ड डिस्क से सीधे रैम में उठते जाते, तो हार्ड डिस्क से सीधे रैम में किस तरीके से जाते? थोड़ा सा आपकी आवाज आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा माइक। सर अब सही आ रही है? आप सही आ रही है, आप बताएं। सर मैं पूछ रही थी कि हार्ड डिस्क से सीधे रैम में किस तरीके से जाती है, क्योंकि इस चीज के लिए भी कोई ना कोई प्रोसेसर मौजूद होगा पीछे बैकएंड पे जो काम कर रहा होगा, आपको इसमें कि ये जो सीपीयू है, ये रैम है, ये हार्ड डिस्क है, और इनके दरमियान में बीच में ना बसेज होती है, लाइन्स होती है, मदरबोर्ड की लाइन्स होती है, जो कि उनका काम यही होता है कि आपस में इनको कम्युनिकेशन करा के दे, डेटा एक लेके जाए और डेटा लेकर आए। ये बसेज होती है, हम पढ़ेंगे भी इस कोर्स में। इन बसेस के जरिए से आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है, रैम की, सीपीयू की, हार्ड डिस्क की आपस में। सही है? वो लाइंस होती हैं, बसेस होती हैं, उन बसेस का काम ही होता है कम्युनिकेशन कराना। तो अच्छा जी, वर्चुअल मशीन के कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ लेते हैं। वर्चुअल मशीन किसे कहते हैं? अब ये तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर देखा कि इस अभी तक हमने ये देखा कि भाई असेंबली लैंग्वेज पढ़ना क्यों जरूरी है, असेंबली लैंग्वेज का काम क्या है, पढ़ना क्यों जरूरी है, वो थोड़ी सी चीजें हमने देखी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, एक और चीज बता रहे हैं, वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बता रहे हैं कि भाई असेंबली लैंग्वेज क्यों पढ़ना जरूरी है, उसके अंडर में ही आता ही है एक तरह से। तो वर्चुअल मशीन का मतलब क्या है? क्योंकि कंप्यूटर जो है ना वो अपनी लैंग्वेज में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, कंप्यूटर कैन यूजुअली एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन इट्स नेटिव लैंग्वेज, अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर जो है कंप्यूटर जो है वो काम करता है, उस लैंग्वेज को ये कहते हैं मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर काम करता है, उसके मतलब कंप्यूटर जो एग्जीक्यूट करता है किसी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में करता है, और उस लैंग्वेज को समझे हमने नाम दे दिया L0। L0 इज द लैंग्वेज विच कुड अंडरस्टैंड बाय सीपीयू, जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और वो जाहिर है बाइनरी नंबर के ऊपर बेस करती है, 1010 के ऊपर।
लेकिन L0 पे काम करना बड़ा मुश्किल है। हम कोई प्रोग्राम बाइनरी में तो लिख नहीं सकते ना, अगर हम 1010 पे प्रोग्रामिंग करें तो हमें बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जरा से भी बिट का फर्क आ गया, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, पूरी लॉजिक आउट हो जाएगी। तो 1010 का प्रोग्रामिंग नहीं करते हम, तो हाई लेवल लैंग्वेज में पूरा प्रोग्राम लिख रहे होते हो, फॉर इज इक्वल टू 0, फॉर का लूप, व्हाइल का लूप, या जो भी है। हम बाइनरी नंबर्स के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं करते, लेकिन कंप्यूटर जो एग्जीक्यूट करता है वो तो बाइनरी नंबर्स में करता है। तो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम जो लैंग्वेज समझता है, फॉर एग्जाम्पल उसको नाम हमने रख दिया यहाँ पर L0। L0 वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर पर जिसपे काम करता है, जिसको मशीन लैंग्वेज कह रहे हैं। लेकिन हम अगर कोई ऐसी लैंग्वेज बनाए जो हमारे लिए थोड़ी आसान हो, ठीक है, जिसपे हम काम कर सकें, तो उस लैंग्वेज को हमने नाम दे दिया L1, कि हम बाइनरी पे काम नहीं कर सकते। हमने एक और लैंग्वेज बनाई जिसके अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो कि हमारे लिए आसानी थी, तो हमने उस पर काम किया L1 पे, और L1 से फिर L0 पे जो है, यानी कि L1 में हमने काम किया, फिर L1 से जो है L0 पे कन्वर्जन होगी, वो ट्रांसलेशन होगी, हमारा प्रोग्राम ट्रांसलेट हो जाएगा और माइक्रो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। हम लिखेंगे L1 में और वो कन्वर्ट हो जाएगा L0 के अंदर। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, इंटरप्रिटेशन होती है। सर, ये जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है उससे हमने फॉर एग्जांपल कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर बना दी, तो वो आपने बोला था कि माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंड करता है, तो अगर हम इन्हें एक लैंग्वेज बनाई है किसी इंटेल की मशीन पे और उसको किसी AMD की मशीन के साथ कैसे कंपैटिबल करते हैं फिर, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो ये नहीं देखती हैं। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। असेंबली लैंग्वेज का जो कोड है ना, वो आपको आपका माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अगर आपने इंटेल के लिए असेंबली कोड लिखा है, तो वो ज़ाहिर इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर जो है उसी पर रन होगा, वो मोटरोला के प्रोसेसर पे वो कोड रन नहीं हो सकेगा। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखते वक्त ये ख्याल करना होता है कि कौन सा प्रोसेसर के लिए आप लैंग्वेज लिख रहे हो। तो बिल्कुल ये बात सही है कि आप जो है ना किसी और प्रोसेसर के ऊपर वो चीज़ चला नहीं सकते, क्योंकि सिंटैक्स डिफरेंट हो जाता है। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज से हमने सी बनाई फॉर एग्जांपल। सी तो इंटेल के प्रोसेसर्स पे भी चलती है, हमारे पास AMD के प्रोसेसर्स के ऊपर भी चलती है। नहीं देखें, आप कह रहे हो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई कोई, ये कह रहे हैं। जी हाँ, प्रोग्रामिंग अगर लैंग्वेज बनाएंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आप असेंबली से पूरी नहीं बना सकते। उसके लिए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ तो कंपाइलर जरूरी है। लेकिन आप हाई कंपाइलर। लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना, जैसे सी सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज है, जी, सी या सी, तो हाई लेवल लैंग्वेज के साथ कंपाइलर लाजमी है। और बैक एंड में असेंबलर भी होता है जो कि प्रोग्राम को असेंबल करता है। मैं आपको दिखाऊंगा, इस पर आगे जाके समझ में आ जाएगा आपको इसी स्लाइड लेक्चर के अंदर। तो जब आप एक लैंग्वेज बनाने जाते हो, तो उसके अंदर आपको असेंबली भी आनी चाहिए, आपको कंपाइलेशन भी आनी चाहिए, कंपाइलर कैसे काम करता है, पूरा कंपाइलर आपको बनाना पड़ेगा, पूरा हार्डवेयर के हिसाब से। जाहिर है वो कंपाइलर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए आप पूरा कोर्स पढ़ोगे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के नाम से। लेकिन तो वो जो असेंबली वाला हिस्सा है असेंबली वो वाला तो हिस्सा जो दोनों। है वो रन होगा, लेकिन जाहिर है कंपाइलर कंपाइलर के काम करने के बाद फिर वो रन होता है असेंबली वाला हिस्सा। ठीक, तो जब कंपाइलर का काम खत्म होगा, फिर असेंबलर का काम शुरू होता है। वैसे क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह। ये आज की क्लास में मैंने ये चीजें डिस्कस की हैं, यानी कि L1, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, एज द L1 प्रोग्राम इज रनिंग, ईच ऑफ इट्स इंस्ट्रक्शन कुड बी डिकोडेड एंड एग्जीक्यूट बाय अ प्रोग्राम रिटन इन लैंग्वेज L0। यानी कि L0 के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो L1 के अंदर पहले डिकोड होगा, उसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी पूरा, यहाँ पर लाइन बाय लाइन होगी ट्रांसलेशन के अंदर, पूरा प्रोग्राम जो है वो L0 का L1 के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा, L1 का L0 में ट्रांसलेट हो जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे L1 में और वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा L0। फिर इसी तरीके से
अब इसने क्या लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट की बजाय आप वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट ले लें तो ज्यादा बेहतर है। यानी कि वर्चुअल मशीन का मतलब क्या है कि आपने पूरी प्रोग्राम लिखा वर्चुअल मशीन, यानी कि वर्चुअल लैंग्वेज वन को वर्चुअल मशीन वन ले लो, लैंग्वेज जीरो को वर्चुअल मशीन जीरो ले लो। वर्चुअल मशीन जीरो का मतलब क्या है, जिसपे आपने मशीन लैंग्वेज है, और वर्चुअल मशीन वन का मतलब है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि एल वन है, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, एक लैंग्वेज है जो कि मशीन लैंग्वेज से बेहतर है। तो वी एम वन के जो भी चीज आप काम वी एम वन पे करोगे, लेकिन वो ट्रांसलेट वी एम जीरो पे होगा असेंबली लैंग्वेज। फिर देखें यानी किस तरीके से, यानी कि आप काम इस पे करोगे, हम करते क्या है कि हम काम वी एम वन पे करेंगे, ये थोड़ा सा हमारी अंडर, क्योंकि ये तो बिल्कुल ये जो मशीन लैंग्वेज है वी एम जीरो, ये तो बिल्कुल 1010 पे होगी, ठीक है, बाइनरी पे होगी, बाइनरी पे प्रोग्राम करना मुश्किल है। तो हमने एक लैंग्वेज, हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई वी एम वन के नाम से। वर्चुअल मशीन के अंदर सारी चीजें आ जाती है, रैम, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह सब चीजें आ जाती है। तो हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई वी एम वन के नाम से, जो कि ज्यादा जो कि जिसके अंदर जो प्रोग्रामर से थोड़ी करीब है। इसके अंदर आप कुछ हाई लेवल कॉन्स्ट्रक्ट लिख सकते हो, जैसे कि इसके अंदर आप लिख सकते हो ऐड वगैरह, असेंबली लैंग्वेज की तरह की चीजें लिख सकते हो, या इसके अंदर पहले आप शुरू वो लिख सकते हो, कोई कोड लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा 85 का मतलब है ऐड कर दो, ठीक है, ऑप कोड कहलाता है वो। कोई चीज आपने कोडिंग लिख दी 62 का मतलब है सब्ट्रैक्ट कर दो, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कुछ कोड होता है, कोड क्योड के जरिए से कोई काम हो रहा होता है। इसमें प्रोग्राम लिखना फिर भी आसान है, इसमें प्रोग्राम लिखना मुश्किल है बाइनरी में। तो एक लैंग्वेज आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, वर्चुअल मशीन बन, जिसके अंदर आपने इस तरीके से कोडिंग दे दी, उस कोडिंग के अंदर प्रोग्रामिंग करना जो है वो आसान है। लेकिन अगर आप अगर आप लेकिन आपको वर्चुअल मशीन वन में भी काम करने, अच्छा ये कनेक्शन टीनेट और होना है, एक मिनट दिखा रहा है मुझे, एक मिनट के बाद जो है मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, तो तकरीबन 20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 20 मिनट के ब्रेक के बाद फिर दोबारा कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। अटेंडेंस आप लोगों की हो गई थी, वो आपने लिखा था नेम आईडी पहले सेशन की, वो आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई है, और बाकी इंशाल्लाह जो है वो 20 मिनट के बाद फिर इंशाल्लाह कनेक्ट करेंगे, ब्रेक के बाद फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे। अच्छा।